हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं वनप्लस नॉर्ड 2 का और पोको F3 GT का। दोनों ही फोन लॉन्च हुए हैं आज और कल में। आज पोको F3 GT लॉन्च हुआ है और कल लॉन्च हुआ था वनप्लस नॉर्ड 2। तो आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर फोन है, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन नहीं लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या बेस्ट नहीं रहेगा, किसको कौन सा लेना है, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना फॉर द लेटेस्ट एंड अमेजिंग वीडियोस। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उसकी वेट की। तो बात करेगा वनप्लस नॉर्ड 2 के वेट की, तो वो काफी कम है, वो 189 ग्राम्स का है। वन बात करते हैं पोको F3 GT की, तो ये 205 ग्राम्स का है। जो इसका मेन रीजन है वो एक ए बी रीजन हो सकता है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh ज्यादा है कंपैरिजन टू वनप्लस नॉर्ड 2 की। और इसमें जो चैम्बरिंग है और इसमें जो कूल करने के सिस्टम है वो थोड़े वनप्लस नॉर्ड 2 से ज्यादा है, क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक फोन है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो आप वनप्लस नॉर्ड 2 में एक हैंडी फोन जैसा देखने को मिलता है, 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, या बोल सकते हैं फ्लिट एमोलेड डिस्प्ले जो वनप्लस यूज करता है अपने फोन में। एक 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो कि HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। इसकी अगर बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो कहीं नहीं मेंशन है, पर जो मोस्ट प्रोबेबली है अगर ये वनप्लस नॉर्ड की डिस्प्ले है तो 800 निट्स तक की इसकी पीक ब्राइटनेस हो सकती है। वहीं पे बात करें अगर इसके PPI की, तो वनप्लस नॉर्ड में 401 का PPI देखने को मिलता है। PPI यानी कि पिक्सल पर इंच। अब बात करते हैं पोको F3 GT की डिस्प्ले के बारे में। 6.67 इंच की टर्बो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो यहाँ पे टर्बो है इसका मतलब ये है कि जब आप गेमिंग मोड पे जाएंगे तो जो टच सैंपलिंग रेशियो होगा वो 480 हर्ट्ज तक चला जाएगा, इसलिए टर्बो एमोलेड डिस्प्ले है। बात करते हैं अगर इसके PPI की, तो इसमें 395 PPI का है। और अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि एक तो थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले है, इसका टेस्ट सैम्पलिंग रेशियो भी ज्यादा है वनप्लस नॉर्ड 2 से, और वहीं पे इसका रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है वनप्लस नॉर्ड 2 से 120 हर्ट्ज पर। 90-120 हर्ट्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर डिफरेंस है तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिलती है। दोनों ही फोन में आप HDR10+ कंटेंट प्ले कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं पोको F3 GT में एक अच्छी चीज देखने को मिलती है, वो ये है कि DC डिमिंग का फीचर आपको देखने को मिलता है। DC डिमिंग का फीचर काफी अच्छा रहता है सेंसिटिव लोगों के लिए, कि उनको पता चल जाता है कि भाई डिस्प्ले फ्लिपिंग कर रही है, तो वो DC डिमिंग ऑन करके इसको कम कर सकते हैं। पर ये वनप्लस नॉर्ड 2 में देखने को नहीं मिलता। आपको पोको F3 GT में साइड मोटर फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, वनप्लस नॉर्ड 2 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोनों में ही आपको डायमंड सिटी का फ्लैक्सी प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है 1200। ये 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है जो कि 3 GHz तक क्लॉक हो सकता है। इसमें क्लॉक भी किया गया है। ये एक 5G प्रोसेसर है। वनप्लस नॉर्ड 2 में आपको 9 बैंड देखने को मिलते हैं, वही इंटरनेशनल वेरियंट वनप्लस नॉर्ड 2 में आपको 11 बैंड देखने को मिलते हैं। पर एक डाउनग्रेड है पोको F3 GT में, वो ये है कि पोको F3 GT में आपको सिर्फ 2 बैंड 5G के देखने को मिलते हैं, जो कि N78 और N77 है। ये काफी बुरी बात है कि पहले OnePlus 1-2 बैंड देता था, अब वो चीज पोको F3 GT में हो गया और OnePlus Nord 2 में आपको 9 बैंड देखने को मिल गया। अब बात करते हैं रैम रोम की। तो आपको 6GB 128GB वाला बेस वेरियंट दोनों में देखने को मिलेगा। पोको में आपको 8/128 मिलेगा और 12/256 मिलेगा। सेम यही कंडीशन रहेगी वनप्लस नॉर्ड 2 में, 6/128, 8/128 और 12/256। बात करते हैं स्टोरेज टाइप की, तो दोनों में ही आपको UFS 3.1 देखने को मिलता है। रैम आपको LPDDR4X देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं कॉम्पिटिटर की, तो इसके कॉम्पिटिटर है ओप्पो रेनो 6 प्रो, जो कि काफी ज्यादा महंगा, मैं कहूंगा 40,000 का ये दोनों फोन, एक 26,000 का, एक 28,000 का, पर वो एक 40,000 का इसी सेगमेंट में आता है। जो उसका अच्छे से कॉम्पिटिशन दे रहा है वो दो फोन है, वो एक iQOO 7 है और एक रियलमी X7 मैक्स है, क्योंकि रियलमी X7 मैक्स में भी आपको डायमंडसिटी का 1200 देखने को मिलता है और वहीं iQOO 7 में आपको स्नैपड्रैगन 820 देखने को मिलता है। तो अगर इन दोनों फोन से भी आपको कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका वीडियो आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे कैमरे की। तो वनप्लस नॉर्ड 2 में काफी अच्छा सेंसर यूज किया गया, जो वनप्लस 9 प्रो का अल्ट्रा वाइड सेंसर था सोनी IMX766, वही है यहाँ पे प्राइमरी सेंसर वनप्लस नॉर्ड 2 का। वही बात करते हैं अल्ट्रा वाइड की, तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा है। बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि फिर से एक सोनी के सेंसर है 615। तो आपको रियर में भी सोनी के सेंसर देखने को मिलता है, फ्रंट में भी सोनी के सेंसर देखने को मिलता है, तो काफी अच्छी बात है। और अभी जो कोड बेस था वो ओप्पो के साथ कोलैब हो चुका है, मीन्स जो अब ओप्पो और वनप्लस की UI दोनों साथ में है,
पर आपको मिलेगी ऑक्सीजन ही, वही जो कोर्ट बेस है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। पर जो अभी तक ऑक्सीजन यूआई का जो इंटरफेस था कैमरे में वो चेंज होके ओप्पो का यूआई इंटरफेस आ चुका है। तो आज से अगर आपने ओप्पो का फोन यूज किया तो आप जैसे ही वन प्लस नॉर्ड 2 में कैमरा ओपन करेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये कैमरे की जो यूआई है वो ओप्पो वालों की है। पर वो कुछ भी मर्ज करे, अगर कैमरा इंप्रूव हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि वन प्लस कैमरे में काफी अभी भी स्ट्रगल करता है। वही में बात करते हैं अगर पोको सीरीज जीटी में कैमरे की, तो 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेंसर देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का फिर से वही फालतू का कैमरा देखने को मिलता है। सेल्फी की बात करें तो आपको पोको सीरीज जीटी में 16 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिलती है और वहीं पे आपको नॉर्ड 2 में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो अगर कैमरे का हार्डवेयर वाइज देखा जाए तो हार्डवेयर वाइज नॉर्ड 2 का ज्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू पोको F3 GT का। अब बात करते हैं बैटरी की, तो आपको वन प्लस नॉर्ड 2 में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि नॉर्ड 1 से काफी इंप्रूव है। नॉर्ड 1 में आपको 4115 mAh की बैटरी मिल रही थी और 30 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको 4500 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल रही है और साथ में 65 W का रैप चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलेगा। वही बात करते हैं पोको F3 GT में, तो पोको F3 GT में आपको 5065 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है और 67 W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा। तो काफी सही बात है, बस 500 mAh का फर्क है, तो उसके आप देख सकते हैं कि जो पोको F3 GT का वेट है वो भी ज्यादा है। पोको F3 GT में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, नॉर्ड 2 में आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, पर वन प्लस नॉर्ड 2 में आपको बैक और फ्रंट दोनों ही ग्लास देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा। आपको पोको F3 GT में 12.5 MIUI का वर्जन देखने को मिलेगा, वही वन प्लस में आपको ऑक्सीजन UI 11.2 देखने को मिलेगी। तो ये कंपैरिजन था। अगर बात करें कि आपको अगर एक ओवरऑल बेस्ट फोन चाहिए, आप गेमिंग भी करते हैं, आपको एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए, एक अच्छा प्रीमियम फोन चाहिए, तो एक अच्छी UI का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप वन प्लस नॉर्ड 2 के साथ जा सकते हैं। पर अगर आप गेमर हैं, आपको एकदम गेमिंग ही करनी है, आपको उससे बाकी कैमरा बाकी सबसे परवाह नहीं रहती है, तो उसके लिए आप पोको F3 GT में जा सकते हैं, क्योंकि पोको F3 GT में आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। गेमिंग मोड में जाने के बाद 480 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेशियो हो सकता है। वहीं भी आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। एक बात और, दोनों ही फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और 3.5 mm का जैक दोनों ही फोन से हटा दिया गया है। वहीं पे बात करते हैं पोको F3 GT में गेमिंग के लिए आपको स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया, वो माना नॉर्ड में भी दिया पर यहाँ भी दिया हुआ है और उसकी अलग से एक वेंट भी दी गई है। वहीं पे आपको नॉर्ड 2 में जो ईयर पीस है वही स्टीरियो स्पीकर का काम करता है। तो अगर सेपरेट वेंट है तो आपको थोड़ा बेस ज्यादा देखने को मिलेगा, ट्रेबल ज्यादा देखने को मिलेगा और जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं पे आपको पोको F3 GT में स्पेशल ट्रिगर देखने को मिलता है जो कि फिजिकल ट्रिगर से फोन के ऊपर आप बॉर्डर में देख सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में साइड में, ये ट्रिगर्स भी आपको गेम खेलने में हेल्प करेंगे, ये नॉर्ड 2 में मिसिंग है। तो नॉर्ड 2 एक उनके लिए जिनको एक ओवरऑल बेस्ट फोन चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, 5G फोन चाहिए, ज्यादा बैंड्स वाला और तो उनको गेमिंग भी ठीक ठाक करनी है। पर जो पोको F3 GT है इसमें आप गेमिंग तो कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो माइंड ब्लोइंग होगी, पर जो कैमरा है वो कुछ तक कुछ खास नहीं है, जो सेंसर है वो ओमनी विजन वालों का है और वेट भी काफी ज्यादा है, तो नॉर्ड 2 थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको एक ओवरऑल बेस्ट लुकिंग फोन चाहिए। पर अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए तो आप पोको F3 GT खा जा सकते हैं। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वनप्लस नॉर्ड 2 की प्राइसिंग आ रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोको F3 GT की प्राइसिंग आ रही है। तो ये दोनों फोन की प्राइसिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, दोनों की सेल मिल जाएगी होपफुली। वनप्लस वाले 6.28 GB वेरियंट अमेजोन पर दे दें, ऐसा ना करें कि वो बस नाम के लिए लॉन्च किया, खरीदना आपको 8.28 GB वाला पड़े, तो वो मिलता है कि नहीं मिलता वो तो टाइम बताएगा। बाकी के लिए यही था वीडियो में का, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट कर देना और किस पे आपको वीडियो देखना है और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, काफी अच्छा रहता है। बाय बाय।